कॉग्निजेंट कंपनी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट कंपनी हायरिंग कर रही है वर्क फ्रॉम होम, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम जॉब के रिगार्डिंग। तो आप लोग देख सकते हो हम naukri.com के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे क्लियरली मैंशन है कॉग्निजेंट हायरिंग कर रही है फ्रेशर्स के लिए। दो तरह की अपॉर्चुनिटी है, जो कि दिल्ली NCR में इस रीजन के अंदर अपना यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो देहरादून लोकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं वो देहरादून में अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस इतना रहेगा कि आपका जो हेडक्वार्टर रहेगा एक का देहरादून रहेगा और बाकियों का दिल्ली NCR रहेगा। बाकी वर्क फ्रॉम होम है तो आप किसी भी लोकेशन में ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बात करें कॉग्निजेंट किस तरह की हायरिंग कर रहा है, तो यहाँ पे जिस रोल के लिए ये हायर कर रहा है वो आपका रहने वाला है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव वॉइस का। सिर्फ वॉइस प्रोसेस एग्जीक्यूटिव रोल के लिए ये लोग हायर कर रहे हैं, जहाँ पे शेड्यूल रहने वाला है आप लोगों का 24/7 का। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लूँ कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। सो यहाँ पे इन्होंने मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, तो अगर आपने मिनिमम ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी फील्ड के अंदर तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर्स हो एलिजिबल रहोगे। देन यहाँ पे इन्होंने बताया आपको टिपिकली 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज रहेंगे इन अ वीक, जहाँ पे आपको बट ऑन 1 वीक ईच मंथ ऑन एवरेज दे कैन सेपरेटली टू अलाइन शेड्यूल्स, यानी कि आपको डे ऑफ रहेंगे हफ्ते में 2 दिन एंड किस अकॉर्डिंग रहेंगे वो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे। वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है और आप लोगों का रोल क्या रहने वाला है, आप लोगों को इमेजेस को चेक करना है, मैच करना है वेबसाइट के साथ, आपको कंटेंट वेरीफाई करना है वेबसाइट के ऊपर, आपको अंडरस्टैंड करना है सेंसिटिव कंटेंट को। आप कंटेंट को वेरीफाई करोगे, ब्रांड नेम को वेरीफाई करोगे वेबसाइट के अंदर, एंड जो भी अनसेफ कंटेंट रहेगा उसे आपको इग्नोर करना एंड रिमूव करना होता है। क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो आपके CV में होने चाहिए कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो? कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कम्युनिटी मैनेजमेंट, ये 3 स्किल आपके CV में मेंशन होने चाहिए ताकि आपका CV शॉर्टलिस्ट हो। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में इन्होंने बोला हुआ है कि आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते आना चाहिए आपको, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपका होना चाहिए, अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए, देन आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होने चाहिए, सोशल मीडिया में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर आपको इस तरह का स्किल्स आपके अंदर हैं और ये स्किल्स अगर आपके CV में हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करो, सिलेक्शन के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। देन सैलरी की बात कर लें तो सैलरी इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया, बट आपको 30,000 पर मंथ की सैलरी कॉग्निजेंट मज़े से दे देगा, और आपको लैपटॉप और वाईफाई का अलाउंस भी यहाँ पे मिलने वाला है, और लैपटॉप भी आपको कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। ओपनिंग्स देख सकते हो 200 ओपनिंग्स हैं और अभी तक यहाँ पे 2000 प्लस लोगों ने अप्लाई कर लिया है, तो आप ये मत सोचना कि इतने लोगों ने अप्लाई कर लिया है, इसमें से कुछ रहेंगे जिन्होंने बिना देखे अप्लाई किया होगा। तो आप लोग यहाँ पे पूरा रीड करके अप्लाई करो, एंड कॉग्निजेंट के जो HRs हैं LinkedIn के अंदर उनके पास भी आप लोग अप्रोच कर सकते हो, रेफरेंस कर सकते हो उन्हें कि वो आपको यहाँ पे रेफर करे। देन यहाँ पे और एक और लोकेशन से ये लोग हायर कर रहे हैं जो आपका रहेगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर लोकेशन पे भी ये लोग हायरिंग कर रहे हैं सेम प्रोफाइल के लिए, एंड इसी तरह की एक और प्रोफाइल पे ये लोग हायर कर रहे हैं जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया कि देहरादून में अगर आप चाहते हो कि देहरादून आपका लोकेशन रहे हेडक्वार्टर्स का, तो आप देहरादून लोकेशन में भी अप्लाई कर सकते हो। सिमिलर रहेगा हर एक चीज़ के बारे में, चाहे आपका देहरादून लोकेशन का हो, चाहे आप दिल्ली NCR लोकेशन में करो, चाहे आप भुवनेश्वर लोकेशन में करो, हर एक चीज़ सिमिलर आने वाली है। सो दोस्तों आई होप अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अमेजिंग लगी होगी, डेफिनेटली अप्लाई करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हो। बाकी अगर कुछ भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँ। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो में, तब तक ले दोस्तों गुड बाय।